बिजासन चौकी के पास स्थित एक मकान के पास लगे पौधे की जाली में आज 8 से 9 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप फंस गया। इतने बड़े सांप को देखकर हर कोई हैरान हो गया। फिर ग्रामीणों द्वारा पलासनेर के अरविंद जमादार, जो कि सांप पकड़ने का काम करते हैं, को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अरविंद ने लगभग आधे घंटे तक मशक्कत करने के बाद सांप को जाली में से निकाला। इस दौरान कई स्थान से जाली को काटना भी पड़ा। जाली में फंसा होने के चलते सांप भी चोटिला हो गया था। अरविंद का कहना है कि सर्प कुछ चोटिल है लेकिन सुरक्षित है। साथ ही घोड़ा पछाड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये सांप किसी को काटता नहीं है जब तक उसका नाम ना लिया जाए और इस सांप में पॉइजन नहीं होता है। अरविंद कहते हैं कि 4 साल से सांप पकड़ने का कार्य कर रहा हूँ। 4 साल में कई जाति के हजारों के करीब सांप पकड़े हैं। इस सांप का इलाज कर अब इस सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे। इस दौरान सांप को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई थी। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद जमादार नाम है मेरा। मैं सातपुड़ा वन्य जीव संरक्षण समिति की तरफ से काम करता हूँ। अभी आप कहाँ आए हो? बिजासन घाट में आया हूँ मैं, बिजासन गांव में। यहाँ ग्रामीणों ने मुझे फोन किया कि घोड़ा पछाड़ एक जाली में फंसा है, मैं उसको पकड़ने के लिए आया था। जाली में से फंसा हुआ था? हाँ, जाली में से फंसा था। जाली को काट के उसको बाहर निकल गया है सही सलामत। अभी साफ ठीक है, घोड़ा पछाड़े हो। ये काटता है, ये किसी काटता है? इंसान को काटता नहीं, नाम लेने के बाद ही काटता है और उससे कोई असर नहीं होता है। अब आप इसको कहाँ छोड़ोगे? अभी हम जंगल में छोड़ देंगे उसको, बिजासन घाट के नीचे। उसको जख्म लगा हुआ है? हाँ, थोड़ा लगा है उसको, हल्दी वगैरह लगा के मेडिसिन करके छोड़ देंगे। कितना फीट हाइट है? 9 फीट। मैं 4 साल से इसमें अंतर्गत काम करते आया हूँ, सातपुड़ा वन्य जीव संरक्षण समिति में। इसमें पाइथन, नाग, मनियार, गोनस, 4 प्रकार के विषारी सांप पकड़ चुका हूँ। सौम्य विषारी 4-5 प्रकार के पकड़ चुका हूँ, मांझा वगैरह। इसमें रसल वाइपर, ऐसे बहुत सारे सांप पकड़ चुका हूँ। 4 साल में आप अभी तक कितने सर पकड़ चुके हो? मैं पकड़ चुका हूँ 2500 के लगभग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।